फाइट के लिए नहीं नहीं काम है तुम आओ और तुम आओ आगे आओ सर 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 यहाँ पे सर सर मैडम मैडम ओके गाइस रोलिंग रोलिंग ये शादी के विशेष ही देने हैं ना जी हाँ ओके और भी कुछ बात कर सकते हैं आप चाहे तो नहीं आई एम जस्ट वैसे तो मैम से दोनों से पूछना चाहूंगा कहा जाता है कि शादी एक ऐसा लड्डू है जिसे जो खाता है वो भी पछताता है ना नहीं खाता है वो भी पछताता है आप दोनों क्या कहेंगे इस बारे में आप इनसे पूछिए एक्चुअली बात बिल्कुल सही है अभी हम पछता रहे हैं लेकिन अच्छी तरह पछता रहे हैं हमारी शादी को भी वो 7 ईयर एज बोलते हैं वो कंप्लीट हो गया है तो अभी मैं सिद्धार्थ करण को ऑल द बेस्ट बोलने वाला हूँ एंड वेलकम टू द फ्रटर्निटी तो आज क्या क्या टिप्स देने वाले हैं आप दोनों सिद्धार्थ फिर आज मैं हम लोग डराना नहीं चाहते उसको तो आज उसको अच्छी से अपना फंक्शन होने दीजिए और कल परसों जब हम फोन पे बात करेंगे तो काफ़ी टिप्स लेकिन जैसे कि आपने बोला आपकी शादी का 7 ईयर्स हो चुके हैं तो एटलीस्ट एक टिप तो बनती है ना यही कि शादु का लड्डू अभी खा लिया है अभी पछताएंगे या खुश रहेंगे गॉड ब्लेस आई एम श्योर दैट वो खुश ही रहेंगे आई होप ही इज अ गुड कुक बिकॉज़ हां बीवी को भी अच्छा एक शेफ पति जरूर चाहिए वैसे आप कौन से साइड से हैं लड़के वालों के मैं हम लोग लड़के वालों की साइड लड़के वालों की तरह से तो सिद्धार्थ को आप सजेशन देना चाहेंगे कि कौन से हनीमून डेस्टिनेशन पे जाएं वो नहीं सिद्धार्थ बहुत एक्सपर्ट आदमी है इनफैक्ट उन्होंने हमारी शादी में बोला था काफ़ी आइडियाज़ दिए थे तो इन सब चीज़ों में सिद्धार्थ एक्सपर्ट है और हम सब उनको बेस्ट विशेस देने जा रहे हैं क्या कहना चाहेंगे बेस्ट विशेस देना चाहूँगी एंड आई एम वेटिंग टू मीट माय फ्रेंड तो मुझे जाने दीजिए या थैंक यू थैंक यू